हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे जो नए यूजर्स हैं जो कि डेटाबेस यूज करते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करते हैं और अगर वो 2016 या 19 यूज कर रहे हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, वो आपको बता देता हूं प्रॉब्लम कहां आती है और फिर यहां क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही यहां आते हैं तो यहां पर इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है, लेकिन जो 2007 यूज करते होंगे, 2010 यूज करते होंगे, 2013 यूज करते होंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम आती होगी क्योंकि यहां पर कोई भी कैलकुलेटेड डेटा टाइप नहीं मिलता है। तो अगर मान लीजिए यहां पर मैं दे देता हूं फील्ड नेम नेम ऑफ स्टूडेंट, ये लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट। अब जैसे ही नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे तो यहां पर आपको नेम ऑफ स्टूडेंट के लिए शॉर्ट टेक्स्ट रखना है, वहां पर केवल आपको टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है, आप केवल टेक्स्ट रख लीजिएगा। फिर यहां पर सब्जेक्ट के नाम लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट ये दे दिया यहां पर, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट यहां पर दे देते हैं, तीसरा सब्जेक्ट आगे दे देते हैं इसके, ठीक है, यहां पर, तो यहां पे मैं कर देता हूं SST, ओके, चौथा सब्जेक्ट यहां पर देते हैं, यहां पर कर देते हैं मैथ्स, पांचवा सब्जेक्ट यहां देते हैं और यहां पर कर देते हैं साइंस, SCIENCE साइंस हो गया, और छठवां सब्जेक्ट यहां पर दे देते हैं लाइक ड्रॉइंग कर देते हैं ड्रॉइंग, ओके तो यहां पर कुछ 6 सब्जेक्ट हमने एंटर कराए हैं। अगर आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं तो आप और भी एंटर करा सकते हैं। इन सबको आपको रखना है नंबर डेटा टाइप, ठीक है, क्योंकि 2007 में आपको यह सुविधा ही नहीं मिलती है कि आप कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज करें। तो हम ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या, यहां पर दिक्कत है, ठीक है, यहां पर तो मैं कैलकुलेटेड यूज कर लेता हूं और खटाक से कैलकुलेट करने का काम यहीं पे कर लेता हूं, तो यहां पर अगर कैलकुलेटेड डेटा टाइप ना हो तो आप क्या करेंगे। तो घबराइए मत, इस तरह का आप सेटअप कर लीजिएगा, फिर इसको यस कर लीजिएगा। अब यहां पर इस तरीके से ये आ चुका है, ये सेव हो चुका है। अब इस टेबल को हम क्लोज कर देते हैं। अब हम बनाएंगे क्वेरी, क्रिएट पे चलेंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहां से क्वेरी डिजाइन कर लेंगे। जैसे ये टेबल 1 है ना, तो इसको ले लेते हैं यहां पर और यहां से इन सारे फील्ड्स को हम ले सकते हैं। तो इन सारे फील्ड्स को ले लेते हैं, अगर आपको जरूरत नहीं है आईडी की तो आईडी को हटा भी सकते हैं, इसको कट कर देता हूं, ठीक है। अब ये देख सकते हैं यहां पर सारे फील्ड्स आ चुके हैं, जितने सब्जेक्ट हमने लिए थे वो सारे सब्जेक्ट आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे। यहां पर क्या करता हूं, यहां पर इसको थोड़ा सा जूम व्यू पे लेके आपको दिखाता हूं। देखिएगा यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाइएगा क्योंकि ये ना तो ओपन ऑफिस है ना ही लिब्रा ऑफिस है, ठीक है, तो यहां पर आपको बनाना है स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। स्क्वायर ब्रैकेट बना करके एक एक सब्जेक्ट का नाम लिखना है, जैसे लिखा था बिल्कुल वैसे ही। तो पहले लिखा कंप्यूटर, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया, प्लस लगाया, फिर दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश तो यहाँ पे इंग्लिश लिखा, फिर तीसरा सब्जेक्ट क्या है, जो भी तीसरा सब्जेक्ट है उसका नाम लिखेंगे, तो यहां पर SST है तो जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल SST लिख करके वैसे ही आगे बढ़ेंगे। यहां पर ये S कैपिटल में है तो ये कैपिटल में रखेंगे। फिर यहां पर आते हैं तो नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम लिखना है मैथ्स, MATHS मैथ्स हो गया, बंद करेंगे इसको, प्लस का निशान लगाएंगे। फिर यहां पे आएंगे तो साइंस, SCIENCE साइंस कर दिया, बंद किया। फिर आप यहां पर ड्रॉइंग करेंगे तो DRAWING ड्रॉइंग हो गया, इस तरीके से ये करके और फिर यहां से ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए यहां पर EXPR आ रहा है तो इसको हटा देंगे, यहां पर हम टोटल एक अलग से फील्ड ऐड कर देंगे, तो ये लिख दिया टोटल और ये फील्ड ऐड भी कर दिया हमने, यहां पे कोलन लगा दीजिए, बस हो गया है काम। यहां से रन पर क्लिक कीजिएगा, ये रन हो जाएगी क्वेरी, यानी कि अब यहां पर अगर आप कुछ एंटर करते हैं तो ये कैलकुलेट होकर आएगा हमारे पास। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो टेबल है, यहां पर कुछ एंटर करता हूं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का नाम यही लिख लेते हैं बनाने का, तो वो अभी नजर आएगा आपको। अब ये दो स्टूडेंट का नाम हमने लिख लिया, इसको सेव करा दिया। अब ये क्वेरी है हमारी, क्वेरी में अभी कुछ नहीं दिख रहा तो अभी दिखेगा आपको। यहां पर क्लिक करता हूं, इस क्वेरी को एक बार और रन करवा देता हूं, तो अभी आप देखेंगे कि इनका टोटल भी होकर आने लगा है, दिख रहा है कि नहीं। तो ये बहुत आसान है, क्वेरी अगर आप बनाते हैं तो ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा। क्राइटेरिया कह सकते हैं, क्राइटेरिया लगा देता हूं, ठीक है, पर वो क्राइटेरिया हमें देनी है, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या देंगे, यहां पर देंगे ग्रेटर देन 300, ठीक है, या ग्रेटर देन 400 भी दे सकते हैं, या ग्रेटर देन 350 कर देते हैं। तो यहां पे देखेंगे ग्रेटर देन 350 तो दोनों ही है, तो यहां पे ग्रेटर देन 400 करते हैं ताकि हमको ये पता चले कि ये काम कर रहा है या नहीं, तो यहां पे कर देते हैं 400। तो जैसे ही 400 करेंगे और यहां से रन पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड नजर आएगा, क्योंकि इसमें 400 से ज्यादा एक ही है, वो दुर्गेश का नंबर है। कुल मिला के टोटल इनका 487 यानी 487 मार्क्स है, जबकि अगर हम अपने मेन टेबल पे जाते हैं, ये हमारी मेन टेबल है, तो यहां पर आप देखेंगे कि राम का मार्क्स जो है यहां पे कम है, ठीक है, यहां पे देख सकते हैं दुर्गेश का मार्क्स ज्यादा है, ठीक है। तो
तो जो क्राइटेरिया हमने लगाया उसकी वजह से ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब इसमें और भी क्राइटेरिया दिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए ये क्राइटेरिया ना दे करके कोई और क्राइटेरिया देना हो, लाइक यहां पर करते हैं ड्रॉइंग में मोर देन 80 ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही मोर देन 80 करेंगे तो यहां पे केवल दुर्गेश का ही ड्रॉइंग में मोर देन 80 है, देख सकते हैं। अगर इस क्राइटेरिया को हटा देते हैं, यहां से गए और इस क्राइटेरिया को हटा दिया, जो क्राइटेरिया हमने लगाया इसको हटा दिया, तो आप देखेंगे तो यहां पर दोनों दिखाएगा। तो ड्राइंग में कितना है इनका, इनका देखिए इनका 67 है राम का, ठीक है। और स्टूडेंट के नाम आप ऐड करवाएंगे तो और भी आपको इसमें चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और भी क्राइटेरिया आप सेट कर सकते हैं। आप स्कूल में स्टूडेंट होंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि एक ही स्टूडेंट होगा या दो स्टूडेंट होगा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। तो यहां पर एक और लिख देता हूं नाम, यहां पे कर देता हूं रितेश, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर इसमें भी कुछ मार्क्स ऐड करा देता हूं, तो ये मार्क्स ऐड हो गया, रितेश नाम है, यहां पे SH कर लेते हैं। और अब इसको सेव करके और यहां से क्वेरी वन के नाम से सेव कर लेते हैं, तो ये क्वेरी वन के नाम से सेव हो गया। आप देख सकते हैं ये क्वेरी भी बन गई है, टोटल ऑटोमेटिकली होकर के आ रहा है ना। अब देखिए इसमें जो है, इसमें अब हम लगाते हैं, इसमें वापिस से चलते हैं, कुछ क्राइटेरिया सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि इंग्लिश में लेस देन ध्यान दीजिएगा, ये लेस देन का साइन है, लेस देन 60 करते हैं, लेस देन 60 अगर किसी का रहा हो तो वो दे दीजिए हमें। तो देखिए इंग्लिश में गौरव का लेस देन 60 रहा है, देखिए कितना है 45 है। अगर बात करें ओवरऑल की, उनका लेस देन 60 नहीं होगा, ये क्राइटेरिया हटाया हमने और यहाँ पे गए, तो देखिए यहाँ पे राम का, देखिए राम का कितना इंग्लिश में 67 है, लेस देन तो नहीं है 60, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 78 है, एक गौरव ही है जिनका 45 है, यहाँ पर इनका भी 67 है। तो इस तरीके से क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं और क्वेरी भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।